वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास टू है और आप लोग कर रहे थे चैप्टर फाइव, जिसमें आप लोग का लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया था। मैच द फॉलोइंग आपका लास्ट था कल, जो आपको करवाया गया था। आज आप लोग को इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, कम ही क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है जो कि आज आप लोग करेंगे, और कुछ माई एक्टिविटी है उसे भी आज आप लोग को करना है। तो फटाफट से अपना अटेंडेंस बना लीजिए और बुक जो है उसको ओपन कर लीजिए, और साथ ही साथ नोटबुक भी ओपन कर लीजिए ताकि क्वेश्चन आंसर आप लोग अच्छे से कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है नेम द थ्री टाइप्स ऑफ माउस, यानी तीनों टाइप्स माउस का जो है उसका नाम बताना है। तो पहला आप लोग पढ़े थे क्या है, टू बटन माउस, दूसरा थ्री बटन माउस एंड स्क्रॉल माउस, ये तीनों टाइप्स हो गए। इसको नोट कीजिए, फिर इसको इरेज करने के बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन आंसर करेंगे।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। वेयर डू वी अटैच द टेल ऑफ अ माउस, यानी माउस का जो टेल होता है उसको हम कहाँ अटैच करते हैं। तो आप सभी जानते हैं जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, वी अटैच द टेल ऑफ अ माउस इन द CPU। तो हम लोग CPU में अटैच करते हैं माउस की टेल को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए इसको इरेज करके हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है इसका अभी एक ही हुआ है कंप्लीट, इसमें एक और हम लोग ऐड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ अ माउस, यानी माउस के टू फंक्शंस को बताना है। तो हम लोगों ने पहला ही फंक्शन अभी लिखा है, फर्स्ट नंबर में है क्लिकिंग। व्हेन वी प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ऑफ अ माउस
once and release it, it makes a click sound. This sound is called clicking. तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग जो है इसके एक और फंक्शंस को लिखेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा. तो इसके लिए थोड़ा समय दे दिया जाता है, इसे नोट करें, फिर हम लोग एक और फंक्शंस को लिखेंगे.
क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसका फंक्शन नंबर टू डबल क्लिकिंग, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसमें कुछ जो एक्टिविटी दिया गया है वो काफ़ी इजी है, आप लोग वहाँ पे हिंट दिया गया है तो हिंट्स को देखते हुए आप अगर इसको समझे तो आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वर्ड जो है इसमें इसमें ऐड किया किया गया है इस बॉक्स में, तो आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे देखिए पहला जो बॉक्स है वो है ब्लू कलर का, एम और डी पे फिनिश है, तो उसके बीच में क्या आएगा? लास्ट में ऑप्शन देखिए आपका है माउस पैड। इसको समझा देते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले दिन इसको बोर्ड पर बना दिया जाएगा। तो पहला जो आप देखिए उसमें सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है माउस पैड, तो एम और डी पे क्या है फिनिश है, तो इसके अंदर क्या होगा? माउस पैड होगा लास्ट वाला। फिर आपका सेकंड जो है रेड कलर वाला, उसको देखिए एल बी एन, फर्स्ट में स्टार्ट है एल, सेकंड में बी है और लास्ट में एन है, तो ये क्या होगा? ये होगा लेफ्ट माउस बटन, ठीक है। फिर एक है ग्रीन कलर में एस और टी, तो बीच में क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा बीच में जो चार बॉक्स खाली है, तो ये स्पेलिंग किस चीज़ का है? सिलेक्ट का है, ठीक है, तो इसमें आप लोग सिलेक्ट फिल कीजिएगा। फिर एक है लास्ट में एक बॉक्स दिया गया है जो पूरा एकदम लंबा बॉक्स है, और वो शुरू से स्टार्टिंग से एक पर्पल कलर में आ रहा है, और लास्ट डी और बी उसका नहीं है, बी पर्पल कलर का है रेड का नहीं है, डी बी के है, ठीक है। तो आप इसको डी से जो स्टार्ट है उसको आप लोग भरिएगा डबल क्लिक, ठीक है। लास्ट आपका इसी से आता है डबल का, आपका स्पेलिंग मिलेगा इसमें और क्लिक लास्ट है के, तो ये लंबा वाला बॉक्स जो है इसमें क्या हो जाएगा? डबल क्लिक। फिर लास्ट में एक है आपका, ये भी रेड ही है या फिर ऑरेंज है, पी पे, पी से ही स्टार्ट है, तो इसमें होगा पॉइंटर, और आर पे फिनिश है जो कि पिंक वाले बॉक्स में जा चुका है, तो पी और आर के बीच में जो ये स्पेलिंग होगा वो पॉइंटर का होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। फिर पिंक कलर में आ जाइए, ए डी सॉरी ए आर डब्लू है, ठीक है, तो ये होगा एरो का स्पेलिंग, ए डबल आर ओ डब्लू, ठीक है। फिर यहाँ पे है ब्लू कलर में डी, बॉक्स खाली है, फिर ए है और फिर बॉक्स खाली है, ये हो जाएगा आपका ड्रैग का ऑप्शन, सॉरी इसमें आप लोग ड्रैग को फिल कर लीजिएगा, डी आर ए जी। तो अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा, यहाँ पे सारा हिंट दिया गया है तो काफ़ी इजी है, बना लीजिएगा, उसके बाद अगले दिन आप इसको बोर्ड पर देख करके मैच कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप लोग जो ये एक्टिविटी दिया गया है वो आप लोग बना लीजिएगा, और साथ ही साथ अगला जो चैप्टर है चैप्टर सिक्स उसका रीडिंग दे करके रखिएगा, क्योंकि कल जो है ये एक्टिविटी बताया जाएगा और उसके बाद चैप्टर सिक्स आप लोगों का शुरू हो जाएगा।